हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? मतलब आइडेंटिटी से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी मतलब कि खुद खुद के साथ पहचान हो, मतलब कि आइडेंटिटी एक समान हो। इससे डिफिनेशन क्या कह रहा था, फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, कोई फंक्शन एफ है, एक फंक्शन हमारा एफ है जो रियल से रियल नंबर के बीच में मैपिंग हो रहा है। हम उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर रहे हैं कैसे, एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं वही एलिमेंट हमें उसका रिजल्ट में मिल जा रहा है। मतलब जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं डोमेन में वही एलिमेंट हमें रेंज में भी मिल जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस ऐसे फंक्शन जहाँ एक्स हमारा बिलोंग टू रियल नंबर, जहाँ जो एक्स हम आर्बिट्री एक्स चूज कर रहे हैं वो एक्स हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गया। ये सेकंड डिफिनेशन, द फंक्शन आई, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से और आई ए से, ये दो तरीके से डिनोट करते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन को। बात समझ में आ रही है? आई से या फिर आई ए से। द फंक्शन आई सच दैट आर टू एन आर, मतलब एक फंक्शन आई है जो मैपिंग हो रहा है रियल से रियल नंबर के बीच में, जिसको डिफाइन करते हैं आई एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो मैपिंग हो रहा है कोई आर्बिट्री नंबर एक्स चूज करें फिर हमें वही नंबर मिल जा रहा है। डोमेन में जो नंबर चूज कर रहे हैं वही नंबर हमें रेंज में मिल जा रहा है। तो ये हमारा वन वन मैपिंग होता है। For all x belongs to R, जहाँ x हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और ये तीसरा डिफिनेशन क्या कहता है, द फंक्शन दैट एसोसिएट इज रियल नंबर, मतलब एक फंक्शन है f, जो ये फंक्शन है ये, ठीक है, ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, एसोसिएट है आई से दैट आर टेंड्स टू आर, दैट एसोसिएट इज रियल नंबर, जो रियल नंबर हम ये x चूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इच रियल नंबर टू इट सेल्फ, वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, लिंक होता है, दैट एसोसिएट इच रियल नंबर टू इट सेल्फ, जो नंबर हम चूज करेंगे वो खुद के साथ जुड़ा होता है, मतलब खुद के साथ मिरर इमेज, ऐसे कह रहे हैं कि मिरर इमेज बनाता है, दैट एसोसिएट इच रियल नंबर टू इट सेल्फ, मतलब जो नंबर हम चूज करें वो वही नंबर में मिल जा रहा है, वो मतलब खुद के साथ रिलेट है, रिजल्ट में वही नंबर मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। हम तीन तरह से डिफाइन कर लिए हैं। ये हमारा आरडी शर्मा की लैंग्वेज है। हम से क्या रिजल्ट निकला है, जो डोमेन एफ है वही हमारा रेंज में मिल रहा है, वही वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करता है, ऐसे कर ले बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब जो डोमेन हम चूज कर रहे हैं वही रेंज हमें मिल जा रहा है, जो इसमें डोमेन इक्वल टू रेंज होता है, और ये तो हमारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमारा रियल से रियल नंबर के बीच में मैपिंग हुआ है। जैसे ये देख लीजिए, ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, आर हो गया, आर हो गया, ये मैपिंग आई हो गया, ठीक है, हम यहाँ ए बी सी डी हो गया, यहाँ भी ए सी डी बी ढेर सा नंबर है, ए का मीन है जे के साथ, बी के साथ जा रहा है, सी के साथ, डी का डी के साथ, मतलब खुद का खुद के साथ इमेज बना रहा है, जो एलिमेंट ये है वो एलिमेंट ये है, मतलब खुद का इमेज खुद के साथ बनाना आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाए तो क्या कहेगा, जो इमेज मिरर बन रहा है वही हम, वही इमेज हमारा है, वही फिगर हमारा है जो फिगर इमेज बन रहा है, मतलब कि हम और इमेज हमारा आइडेंटिटी मैपिंग हो गया, उसमें जो काम कर रहा है आइडेंटिटी फंक्शन वो मिरर कर रहा है, जो फंक्शन है हमारा वो मिरर है, मिरर हमारे फिगर को इमेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो हमारा मिरर फंक्शन हो गया, मिरर फंक्शन हो गया, हम जो हो गए सिंपल, ये हमारा एलिमेंट एक्स हो गए, डोमेन हो गए, जो मिरर में इमेज बन रहा है वो हमारा रेंज हो गया। अब ग्राफ की बात करें, द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये देख रहे हैं हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, इंक्लाइनेड एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। जैसे मैंने एक्स चूज किया -2, तो हमें भी वाई की वैल्यू -2 मिलेगी, तो इस तरह से हमें मैपिंग मिलेगा, फिर कोई एलिमेंट चूज करते -4
फाइव, तो हमें यहाँ पे माइनस फाइव मिलेगा, तो ऐसे से लेके जाएंगे तो ये आपस में यहाँ पे कट करेगा, तो मतलब कि ऐसे इधर मिलाएंगे ऐसे इस साइड मिलाएंगे, तो ये जो ग्राफ ये जो पॉइंट मिल रहा है इन सब पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसलिए कहा गया कि ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है और यही लाइन हमारा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे झुका होता है, इंक्लाइंड होता है। ये आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में फुल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम चलते हैं आगे पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में।